गुड मॉर्निंग ऑल। थर्ड जो यूनिट अपनी है वो है डब्ल्यू वी परसेंटेज। डब्ल्यू वी परसेंटेज यानी वेट वॉल्यूम परसेंटेज, वेट वॉल्यूम परसेंटेज जिसको हम लिख सकते हैं भार आयतन प्रतिशतता। तो अब अपने को देखो वेट वेट परसेंटेज बढ़ी तो दोनों किसमें आए ग्राम में, वॉल्यूम वॉल्यूम बढ़ी दोनों किसमें आए एमएल में। लेकिन यहाँ पर हमने लिखा वेट वॉल्यूम, वेट वॉल्यूम का मतलब अपने पास जो सोल्यूट होगा यानी कि विलय जो होगा वो तो किसमें आना है ग्राम में आना है, और जो सोल्यूशन होगा यही कहने का मतलब जो आयतन जो होगा वो किसमें आना है एमएल में आना है, किसमें आना है एमएल में। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या बताएगी, 100 ml बिलियन में विलय की ग्राम में मात्रा, विलय की ग्राम में मात्रा उस विलयन की WB परसेंटेज क्या है, WB परसेंटेज क्या है, यानी कि अपने को देखो विलयन है वो किस में लिया हमने ml में लिया और विलय है वो किस में लिया हमने ग्राम में लिया, इसमें लिया है ग्राम में लिया। तो डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ सोल्यूट, और सोल्यूट के अमाउंट किसमें लेनी है ग्राम में, इसमें लेनी है ग्राम इन 100 ml सॉल्यूशन, इन 100 ml सॉल्यूशन। तो 100 ml सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की ग्राम में जो अपने पास वैल्यू है मात्रा जो होगी वो उसकी क्या कहलाती है पी डब्ल्यू पी परसेंटेज कहलाती है, क्या कहलाती है डब्ल्यू पी परसेंटेज कहलाती है। अब देखो अब इसको हम लैंग्वेज में लेके आए डब्ल्यू बी परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो इसको हमने विलय किसमें लिया हमने ग्राम में लिया, इसका हमने किसकी बात की है वेट की बात की है, तो यहाँ पर लिखेंगे विलय का भार और भार को किसमें लिखेंगे हम ग्राम में अपॉन विलयन का आयतन, आयतन क्यों लिखा हमने क्योंकि हमने इसको किसमें लिया एम एल, किसमें लिया है एम एल, मल्टीप्लाई क्या लिख देंगे हम हंड्रेड लिखेंगे। अब कॉम्बो पैक में चल रहे थे इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे विलय का भार लिखना तो हम लिख देंगे वेट, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, इन ग्राम या ग्राम यहां पर ये लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को किसमें लेंगे वॉल्यूम में लिया तो एमएल में मल्टीप्लाई, ये अपने पास कॉम्बो पैक में आ गया। तो ये अपने पास हो गया विलय का भार ग्राम में लेना है और विलयन का आयतन एमएल में लेना है, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से कर देंगे। अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लेके आएंगे अपनी थम्स यूज करेंगे, थम्स में देखो विलय, विलय का मतलब अपने पास क्या है बी कंपोनेंट्स है, भार का मतलब हमने क्या लिया वेट लिया है तो डब्ल्यू बी अपॉन विलयन का आयतन, आयतन की बात करें तो वॉल्यूम, और विलयन जो बनेगा वो किससे बनेगा विलय प्लस विलायक से, तो वी ए प्लस वी बी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ले लिया तो अपने पास क्या बन गया डब्ल्यू बी परसेंटेज आ गया, क्या आ गया डब्ल्यू बी परसेंटेज आ गया। अब अपने को दिमाग में रहना है कि अपने पास जो विलय जो होने वाला है वो तो किसमें आएगा ग्राम में, वेट में बात करेंगे और सोल्यूशन की बात करेंगे वो किसमें करेंगे एमएल में बात करेंगे। जैसे हम इसको ये लिखेंगे कि 20 ग्राम NaCl से 500 ml विलयन बनाया बनाया तो डब्ल्यू बी परसेंटेज कितनी होगी, तो ये ध्यान रखना विलयन कितना है एमएल में है, विलय इसमें है ग्राम में, इसमें है ग्राम में, तो एक वेट में है और एक इसमें है वॉल्यूम में है। तो अपने पास डब्ल्यू बी परसेंटेज इक्वेशन में आ गई तो क्या जाएगा 20/500 कर देंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 4% आ जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा 4% आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या निकालेंगे उसकी डब्ल्यू बी परसेंटेज निकालेंगे। तो देखो अभी तक हमने 3 यूनिट पढ़ी है अपने पास, तीन यूनिट में अपने पास हमने पढ़ी है डब्ल्यू डब्ल्यू फिर बी बी और फिर डब्ल्यू, हम तीनों में एक साथ क्या करते हैं कंपेरिजन करते हैं और याद करने का क्या करते हैं तरीका बनाते हैं। तो देखो अपने पास तीन यूनिट हमने पढ़ी कंसिस्टेंसी की, इसमें यूनिट नंबर एक जो थी अपने पास वो थी डब्ल्यू डब्ल्यू परसेंटेज, सेकेंड जो यूनिट आई वो अपने पास आई बी बी परसेंटेज, थर्ड जो यूनिट आई वो अपने पास आई डब्ल्यू बी परसेंटेज, तीन यूनिट हमने पढ़ी। यहाँ पर डब्ल्यू डब्ल्यू परसेंटेज का मतलब क्या है कि सोल्यूट और ये हमारा क्या है सोल्यूशन, सोल्यूट और सोल्यूशन दोनों किसमें होंगे ग्राम में होंगे, इसका मतलब हम उसके किसकी डिस्कस करेंगे बारे में बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ वेट की बात करेंगे। डब्ल्यू का मतलब
क्या वेट है। यहाँ पर वी का मतलब क्या वॉल्यूम, इसका मतलब ये जो अपने पास है वी जो है वो सोल्यूट है और ये जो वी लिया हमने किसके लिए लिया सोल्यूशन के लिए आया और वी का मतलब क्या है वॉल्यूम है और इसका मतलब दोनों किसमें होंगे एम एल में, इसमें होंगे एम एल में होंगे। और यहाँ पर ये जो डब्लू डब्लू के लिए सोल्यूट के लिए लिया हमने और वो जो सोल्यूट है वो किसमें आएगा ग्राम में आएगा और ये जो अपना आया क्या है सोल्यूशन है और ये सोल्यूशन किसमें आने वाला है वी में लिखा तो हमें किसमें लिखेंगे एम एल में लिखेंगे, क्या लिखेंगे एम एल में लिखेंगे। तो यहाँ पर डब्लू डब्लू यानी कि वेट वेट सोल्यूट और सोल्यूशन दोनों किसमें होंगे वेट यानी ग्राम में होंगे, वी वी यानी कि सोल्यूट और सोल्यूशन दोनों किसमें होंगे एम एल में होंगे और डब्ल्यू वी यानी डब्ल्यू का मतलब सोल्यूट है वो ग्राम यानी वेट में होगा और वी का मतलब वॉल्यूम यानी सोल्यूशन है वो एम एल में होगा। परसेंटेज कितने में से निकालते हैं हम 100 में से निकालते हैं तो 100 एम एल मिलियन या 100 ग्राम मिलियन के ही हम क्या करने वाले हैं बात करने वाले। तो इसके डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास 100 ग्राम सोल्यूशन यानी कि मिलियन में विलियन में सोल्यूट की ग्राम में मात्रा यानी कि द अमाउंट ऑफ सोल्यूट परसेंट इन 100 है ग्राम सोल्यूशन परसेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। इसके डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 100 ml सोल्यूशन। देखो यहां पर वेट की बात की सोल्यूशन के लिए तो 100 ग्राम सोल्यूशन, यहां पर एमएल की बात की तो 100 ग्राम सोल्यूशन। 100 ग्राम सोल्यूशन में विलय यानी सोल्यूट की एमएल में दोनों को किसमें लेना है एमएल में, किसमें लेना है एमएल में। अब यहां पर एक तो क्या अपने पास डब्लू एक क्या अपने पास वी तो एक को तो किसमें लिखेंगे ग्राम में और एक को किसमें लिखेंगे एमएल में। तो सोल्यूशन जो है वो किसमें आएगा अपने पास एमएल में 100 एमएल विलय यानी कि 100 एमएल सोल्यूशन में विलय यानी कि सोल्यूट की ग्राम में मात्रा उस विलयन की क्या कहलाएगी अपने पास डब्ल्यू की परसेंटेज कहलाएगी। तो यहाँ पर दोनों किसमें आने वाले ग्राम में, यहाँ पर दोनों किसमें आने वाले एम एल में, यहाँ पर एक ग्राम में और एक एम एल में, ग्राम में कौन सा आएगा सोल्यूट आएगा। तो ये अपने पास डेफिनेशन हो गई। अब इसके हमने फॉर्मूले लिखे तो फॉर्मूले में क्या लिखा डब्ल्यू बी डब्ल्यू डब्ल्यू परसेंटेज इक्वल टू हमने क्या लिखा डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई 100 यानी कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम दोनों ही किसी ने ग्राम में मल्टीप्लाई किससे कर दिया 100 से क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो विलय की ग्राम में मात्रा अपॉन मिलियन का ग्राम में भाग ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं विलय की ग्राम में मात्रा बटे मिलियन का भार मिलियन का भार मल्टीप्लाई है ठीक है जी। या फिर हम कह सकते हैं अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन है अमाउंट ऑफ सोल्यूशन या वेट ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई 100। इसमें हमने किसमें लिया एक एमएल में लिया एक किसमें लिया दोनों ही एमएल में लिए दोनों एमएल में लिए तो वी यानी कि वॉल्यूम से चलेंगे तो वी बी परसेंटेज इक्वल टू क्या आ जाएगा वी बी अपॉन वी ए प्लस वी बी मल्टीप्लाई 100। और ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था टर्म्स में चलेंगे तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है सोल्यूशन जो है अपने पास सोल्यूशन इक्वल टू हमने लिखा है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट या सॉल्वेंट पहले भी देखा हो याद है अच्छी तरीके से सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट यानी कि विलायक प्लस विलय विलायक को कंपोनेंट्स ए मानेंगे और विलय को कंपोनेंट्स क्या मानेंगे बी मानेंगे। तो यहां पर बी लिखा है इसमें विलय की बात कर रहे हैं और बी का मतलब क्या वॉल्यूम तो बी का वॉल्यूम यानी कि बी का आयतन और बी का मतलब क्या विलय यानी कि विलय का आयतन अपॉन विलयन का आयतन ए प्लस बी करके मतलब क्या हो गया अपने पास सोल्यूशन बन गया सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट यानी ए और बी को जोड़ दिया तो अपने पास क्या बन गया सोल्यूशन बन गया तो सोल्यूशन का आयतन मल्टीप्लाई 100 ठीक। यहां पर चलेंगे तो एक को किसमें लेना है ग्राम में एक को किसमें लेना है वॉल्यूम में तो यहां पर अपने पास डब्ल्यू बी परसेंटेज इक्वल टू क्या आ जाएगा डब्ल्यू बी बी का मतलब सोल्यूट यानी कि विलय डब्ल्यू का मतलब उसका वेट यानी कि भार की बात कर रहे हैं तो विलय को किसमें लेना है हमने तो ग्राम में लेना है किसमें लेना है ग्राम में अपॉन वी ए प्लस वी बी वी ए प्लस वी बी का मतलब अपने पास क्या गया सोल्यूशन आ गया ए और बी दोनों को जोड़ दिया हमने और बी का मतलब क्या वॉल्यूम इसलिए हमने इसको किसमें लिया है एम एल में लिया है मल्टीप्लाई क्या लिख देंगे हमें 100 लिख देंगे। तो ये अपने पास तीनों में क्या आ गया डिफरेंस आ गया है कि डब्ल्यू डब्ल्यू परसेंटेज डब्ल्यू बी परसेंटेज और वी बी परसेंटेज। देखो तीनों में एक एग्जाम्पल में मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म एग्जाम्पल लिख रहा हूँ सीधा सीधा
20 ग्राम NaCl डिजोल्व इन है 100 ग्राम वाटर 20 ग्राम NaCl को किसमें बोला है 100 ग्राम वाटर में बोला। दोनों किसमें लिए हमने वेट में लिए, इसमें लिए वेट में, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं वेट परसेंटेज की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इसके लिए एक एग्जांपल है, मैंने लिख दिया 20 ml एल्कोहल डिजोल्व इन 100 ml वाटर, 20 ml और 100 ml दोनों ही किसमें लिए हमने ml में, दोनों ही ml में लिए, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं वीवी परसेंटेज की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं वीवी परसेंटेज की। और मैं यहां पर लिख दूं 20 ग्राम NaCl डिजोल्व इन 100 ml वाटर, तो यहां पर हमने किसमें लिया ग्राम, यहां पर हमने किसमें लिया ml, ग्राम का मतलब डबल वेट की बात कर रहे हैं, ml का मतलब वी यानी कि वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं डब्ल्यू वी परसेंटेज की बात कर रहे हैं। जब दोनों वेट में आए तो डब्ल्यू डब्ल्यू परसेंटेज, दोनों वॉल्यूम में आए तो वी वी परसेंटेज, एक वॉल्यूम में एक वेट में आए तो क्या आ जाएगा अपने पास डब्ल्यू वी परसेंटेज आएगा। तो ये अपने पास क्या है, अपने पास 3 यूनिट हो गई कंसंट्रेट से निकालने की। नेक्स्ट जो यूनिट की हम बात करेंगे वो बात करने वाले हैं मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलिलिटी यानी कि मोलरता, मोलरता, मोलरता और मोलरता के ऊपर से अपने पास क्या था लगभग लगभग एक क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल में, इन तीनों पर इन तीनों में से भी अपने पास एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल का अपने को एग्जाम कोड एग्जाम में मिल जाएगा, बिल्कुल छोटा सा और सिंपल सा आएगा, तो इसका तो कोई ज़्यादा डाउट वाली बात नहीं है। नेक्स्ट जो अपने पास आती है मोलरता और अपने पास मोललता यानी कि मोलिलिटी और मोलरिटी, मोललता और नेक्स्ट जो आएगी वो आएगी मोलरता, यानी कि ये तो जो है मोलिलिटी और ये जो है वो है मोलरिटी, मोलिलिटी और मोलरिटी, तो मोलरता और मोललता इनकी अपने को यूनिट याद रखनी है। साथ साथ में लास्ट ईयर एग्जाम में अपने से इनमें से क्वेश्चन पूछा गया था, दोनों में डिफरेंस नॉर्मल मोलरता और मोललता दोनों में दो डिफरेंस लिखने थे, दो नंबर का क्वेश्चन आया था अपने पास। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मोलरता, मोलरता पढ़ने के बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मोलरता की, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर हम दोनों का एक ही अपने पास लेक्चर में क्या करेंगे कंपेरिजन करेंगे कि मोलरता क्या चीज़ है और नॉर्मलता क्या चीज़ है। अब देखो इन तीनों यूनिट्स की हम बात की, यहाँ पर भी हम कोई बात करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर इफेक्ट क्या इफेक्ट डालता है, क्योंकि आपको भी ध्यान है कि भार जो होता है वेट जो होता है उसके ऊपर टेम्परेचर इफेक्ट नहीं डाल पाता, लेकिन वॉल्यूम के ऊपर टेम्परेचर क्या करता है इफेक्ट डालता है। तो देखो जिसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम आएगा, जिसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या आएगा वॉल्यूम आएगा, उसकी वजह से वो यूनिट क्या होने वाली है कम होने वाली है, क्योंकि जब हम टेम्परेचर देते हैं तो लिक्विड फॉर्म में जो चीज़ आती है वो क्या होती है फैलती है, यानी कि वॉल्यूम बढ़ता है, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है वो यूनिट क्या होने वाली घटने वाली है। जैसे यहाँ पर आया अपने साथ डब्ल्यू डब्ल्यू, सिंपल सी बात है इसमें यहाँ पर नीचे वेट आया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और वेट आया तो वेट के ऊपर टेम्परेचर कोई इफेक्ट होता नहीं, तो डब्ल्यू डब्ल्यू परसेंटेज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, टेम्परेचर कोई इफेक्ट नहीं करता। यहाँ पर आते हैं तो देखो नीचे क्या है अपने पास वॉल्यूम आया, तो वॉल्यूम आया टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सिंपल सी बात है वॉल्यूम क्या होने वाला है बढ़ने वाला है, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है वीपी परसेंटेज क्या होने वाली है घटने वाली है। ठीक इसी प्रकार से इसके बाद इसके भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है वॉल्यूम आया टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो डब्ल्यू वी परसेंटेज क्या होने वाली घटने वाली, तो जिसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा वॉल्यूम वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर से इफेक्टेड होंगे और वो यूनिट क्या होने वाली है कम होने वाली, तो टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वो यूनिट क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। डब्ल्यू डब्ल्यू परसेंटेज के ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, वी वी परसेंटेज पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा, इफेक्ट क्या पड़ेगा क्योंकि वी वी परसेंटेज में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या आता है वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है वी वी परसेंटेज क्या होगा कम होगा। ठीक इसी प्रकार से डब्ल्यू वी परसेंटेज की बात करें तो इसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी क्या आता है वॉल्यूम आता है, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो डब्ल्यू वी परसेंटेज है वो क्या होने वाला है घटने वाला है, क्या होने वाला है घटने वाला है। तो टेम्परेचर का भी दिमाग में अपने को याद रखना है कि डब्ल्यू डब्ल्यू परसेंटेज में टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन वीवी परसेंटेज और डब्ल्यू वी परसेंटेज में टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर बढ़ने पर वीवी परसेंटेज और डब्ल्यू वी परसेंटेज दोनों क्या होते हैं कम होते हैं, क्योंकि वीवी परसेंटेज में और डब्ल्यू वी परसेंटेज में वॉल्यूम जो आता है वो किसमें आता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आता है, क्या आता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम क्या होता है बढ़ता है,
टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है और वॉल्यूम बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है वीपी परसेंटेज भी घटेगा और डब्ल्यू पी परसेंटेज भी घटेगा, क्योंकि इसके क्या आता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है, क्या आता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है, जबकि डब्ल्यू डब्ल्यू परसेंटेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वेट है वो टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं होता, यानी कि अनइफेक्टिव होता है।